सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है, किस तरीके से अदानी समूह को पूरा समर्थन देकर, जो लास्ट 130 रैंकिंग पे जो जिनकी वेल्थ होती थी 2014 से लेकर 2023 में, टॉप 10 की लिस्ट में आ चुके हैं, पैसों की लिस्ट में, कोई याद दिला दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कैसे इतने सारे लोगों को जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, उनको वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहला कर उनको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने काफ़ी सारी स्पीचेस सुनी थी राज्यसभा में भी, जिस तरीके से हर भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता थे सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऐसे बयानबाजी कर रहे थे जिनमें ना सत्य है ना तथ्य है। तो सही बात है, एक नई हिस्ट्री निकली है जो व्हाट्सएप हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पार्टी के सारे मेंबर्स को दे दी जाती है, उसके आधार पे वो इस तरीके की बातें करते हैं। पर मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आपने इतने साल कोस कोस कर अपनी राजनीति की, अब आप सत्ता में हैं, सत्ता में आकर आपने जो काम किए हैं आप उसके बारे में चर्चा करिए। बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हर चीज़ में खींच कर लाना मैं मानती हूँ सही नहीं है, और देश की जो युवा पीढ़ी है उनके मन में क्या लगता होगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पिछले प्रधानमंत्रियों को कोस रही है, ये गलत है और इसको खत्म करना चाहिए। जी, इसके साथ ही सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त को लेकर राज्यसभा में पारित होने पर राघव चड्ढा कह रहे हैं कि सरकार ने इस बुलडोजर के साथ लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, कोई स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं है, इससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? मेरा मानना बस ये है कि एक इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं रखता है फ्री एंड फेयर, उनकी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित नहीं है। सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन कराना और वोटर एनरोलमेंट कराना, इलेक्शन रोल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी एक और है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्प्यूट होता है तो वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं, और अगर हम एक ऐसा पैनल बना देंगे सिलेक्शन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, जो 2:1 है, सरकार के दो नुमाइंदे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर और विपक्ष का एक ही, तो किस तरीके से हम न्याय दे पाएंगे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर पाएंगे जो फ्री एंड फेयर हो और जो बगैर किसी बायस के अपॉइंट हुआ हो। और ये भी एक प्रावधान किया है सेक्शन 8 में जहाँ कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री हैं उस समय पर, अगर वो निर्णय ले ले अगेंस्ट एनी ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड और कोई अपना चूज कर कर लाएं, कोई लैटरल एंट्री कर दें, वो भी उसको भी मान्यता दी जाएगी। तो ये कहाँ से सही है? इसमें मैं मानती हूँ इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्शन की कार्रवाई पे इन्फ्लुएंस होगा, और खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि सरकारों को इससे दूर रखो, सरकार का इन्फ्लुएंस इलेक्शन कमीशन पे नहीं होना चाहिए, और आज वही चीज़ को उल्टा कर कर ये बिल पास किया गया है। जी, इसके साथ ही मैम 370 को लेकर जो केंद्र था सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखते हुए जो फैसला सुनाया उस पर जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नरक में जाना चाहिए, डू हेल विद, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी कि केंद्र सरकार को वहाँ पर लेकर आ गए हैं, क्या चाहते हैं वो, दिल जीतना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक जो उन्होंने कहा है उनकी जो जो वक्तव्य है गलत शब्दों का चयन हुआ है, वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं 2014 में लास्ट चुनाव हुए थे असेंबली चुनाव, और आज हम 2023 में हैं, एक असेंबली वहाँ पर है ही नहीं। उनके साथ 370 हट जाने के बाद ये कहा गया था कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड भी बहाल करेंगे, उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था फ्रॉम अ स्टेट, फिर कहा हम स्टेट बहाल करेंगे, हम इलेक्शन रखेंगे। अब खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा है कि सितंबर 2024 से पहले चुनाव रखना ही है, और स्टेटहुड वापस करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जब प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद जो सही मायने में प्रजातंत्र सक्सेसफुल होगा जम्मू और कश्मीर में और पीस बहाल होगा, वही कश्मीर को जन्नत बनाएगा। जी, इसके साथ ही मैम केरल के जो गवर्नर हैं उनके साथ ना हुई, जिस पर उन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट थे FSI के, वो आ गए और उनकी कार पर मतलब हमला करने की कोशिश की उन पर, इस तरीके की जो पूरी घटना हुई, हालांकि इसमें अब जो भी आरोपी थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं शशि थरूर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे गवर्नर हो वो भी। एब्सोल्युटली, अगर गवर्नर के ऊपर इस तरीके का अटैक हो रहा है जो वहां पे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है। हालांकि सरकार ने लोगों को हिरासत में लिया है, पर ये उम्मीद की जाती है कि जो लॉ है
और जो प्रोटेक्शन की बात है सभी के लिए लागू हो और इस तरीके की इंसिडेंट्स अवॉइड हो। जी वही मैम, कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार अपनी मांग को दोहरा रही है, राहुल गांधी ने भी इस पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है, आपका क्या कहना है? बस यही कहूँगी कि जो कास्ट सेंसस बिहार में आया वो थोड़ा चौंकाने वाला सा भी था, तो इस वजह से जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं सही घरों में पहुँचें, सही लोगों तक पहुँचें, किसी को अनड्यू बेनिफिट्स ना मिलें, किसी का डिसएडवांटेज ना हो, उस ये जाति जनगणना से उसको सहूलियत मिलती है, तो उसके आधार पे पॉलिसीज़ भी डायरेक्ट की जा सकती हैं। तो उस मामले को लेकर हम उसके समर्थन में वहाँ तक हैं जहाँ तक हम सोशल वेलफेयर इंडेक्स जो होते हैं और सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं टारगेटेड लोग तक पहुँच सकें। इंडिया अलायंस के एक वरिष्ठ नेता है नीतीश कुमार, वो भी अब अपना काज शुरू करने वाले हैं, वाराणसी से शुरू करने वाले हैं, वो 24 दिसंबर को उनकी एक जनसभा है वहां पर। आई थिंक सभी को शुरू कर देना चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीनरी बन चुकी है और वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को ऑल द टाइम इलेक्शन मोड पे रखती है, वैसे ही जनता चाहती है कि विपक्ष के भी जो लोग हैं उसी तरीके से जनता के बीच में दिखें और जनता के लिए जो भी वादे हैं, जो भी एक ऑल्टरनेट आइडिया है वो जनता के बीच लेकर आए। जी, केरल का जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उसमें भगदड़ में एक बच्ची की मौत हो गई, दिल्ली में भी संसद में कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, इस पूरी घटना को लेकर। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उम्मीद करती हूँ राज्य सरकार उस पर ध्यान लेगी, संज्ञान लेगी और जो भी व्यवस्था होती है खास करके इस महीने में काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग दर्शन के लिए पहुँचेंगे तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।